रिया की लाइफ में बहुत कम लोग के साथ वो क्लोज है, तो लेकिन आपके साथ तो कुछ ज्यादा ही क्लोज है। एक्चुअली रिया का जो नेचर है, मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड है वो, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है। ये सारी बातें ना बिल्कुल मेरे हस्बैंड जैसी है। क्या बात कर रही हैं? रिया आपको आपके हस्बैंड जैसे लगती है, और यहाँ पे लोगों को रिया उसके डैड जैसे लगती है। आई मीन इतना सा भी रिजेम्बलेंस किसी और के साथ नहीं। लेकिन फोन पे तो ऐसा नहीं लगा। अच्छा, कैसे लगते हैं? मतलब मैसेजेस पे मेरी एक बार उनसे बात हुई थी तो ऐसा लगा कि बहुत सुलझे, समझदार, बहुत मच्योर किस्म के इंसान होंगे। शायद वो चैट किसी और से करवाते होंगे। और सुलझाओ तो बिल्कुल नहीं, पूरा का पूरा उलझा हुआ है उसकी जिंदगी की गुत्थी। मैं कब से सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये नाकामयाब मिस्टर कोहली आपके सामने बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं। और मैच्योर वो नहीं, मैच्योर मैं हूँ। ओके, आई मीन मजाक कर रहा था। मैच्योर वो भी है, लेकिन क्या है कि उसकी मैच्योरिटी की जो अवधि है ना, वो कुछ ही पल तक सीमित रहती है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप आई तो मैं उसे भूलने गया, आप उससे मिलने आए। ये तो नहीं, नहीं मैं बिजी हूँ, मैं परेशान हूँ, ये क्या क्या। एक्चुअली आज मैं भी बहुत परेशान हूँ, और जब मैं परेशान होती हूँ तो मेरी बेटी मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आती है। इनफैक्ट उनसे कहिए वो भी आइसक्रीम खा ले, शायद जो स्ट्रेस है थोड़ा कम हो जाए। नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, आइसक्रीम वाली बात आपको बोलनी पड़ेगी। मैं क्यों? अच्छा लगेगा उनको। मैं मैसेज कर दूंगी उनको। अब मैं चलती हूँ। एक सेकंड, चाय कॉफी कुछ मैंने आपको ऑफर ही किया? नहीं, एक्चुअली मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे निकलना है। Are you sure? Yeah. Thank you. कोर्ट की डेट जल्दी मिल जाएगी, लेकिन अगर प्रियंका किसी काम से बाहर जाती है तो उसे प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। वो कहीं नहीं जा रही। हाँ, वन मोर थिंग मिस्टर वियोंग, वो इस केस के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, तो मैं नहीं चाहता कि इस केस के बारे में आप जाकर किसी को कुछ कहें। प्रियंका इस केस को थोड़ा सीक्रेटिव रखना चाहती है, उसे लगता है कि लोग गॉसिप करेंगे, उसके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। I understand. आपने सही सोचा है। एंड आई मस्ट से, ये मैंने पहला केस देखा है जिसमें कि मोलेस्टेड लड़की इतनी काम एंड कंपोज्ड है। नहीं मिस्टर वियोंग, वो सिर्फ बाहर से, अंदर से वो हिली हुई है, शी इज मेंटली डिस्टर्ब्ड राइट नाउ। लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छा संभाला है, वरना ऐसे केस में विक्टिम बहुत ह्यूमिलेटेड फील करता है। कई बार तो विक्टिम को अपनी बात कहने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन लेकिन यहाँ पे तो प्रियंका खुद अपनी साइकेट्रिस्ट है। आई एम हैप्पी कि उसने अपने ह्यूमिलेशन को अपने गुस्से में बदल दिया। Excuse me, I'll be back. Hey? उसने कहा था कि वो वेट करे, चली ना गई हो या फिर वो? अनुराधा जी, ऐसा क्यों लगा जैसे इन्होंने मुझे बुलाया? सॉरी, मुझे है कोई और। एक सेकंड, मैंने अनुराधा जी को कभी देखा नहीं, तो कैसे पता ये वो नहीं थी? मेरे दिमाग ने उनकी कोई तस्वीर बना ली शायद, तभी कह रहा ये क्या अनुराधा जी नहीं थी। शायद यहाँ पूरब का ऑफिस है, इसलिए उनकी याद आ रही। मुझे हरीश का नंबर तो ले लेना चाहिए था।
अरे वो अनुराधा जी आई थी ना। अब क्यों पूछ रहे हो? वे मिलना था और किस लिए? कहाँ है वो? जब हम आपको इत्तला करने आए थे कि अनुराधा जी आई हैं सरप्राइज के तौर पे, तो आपने हमें भगा दिया। तो मुझे ये बताने आया था कि अनुराधा जी आई। और नहीं तो क्या? तो सरप्राइज सरप्राइज क्या कर रहा था? बर्थडे है क्या मेरा? सीधे सीधे बोल देता कि अनुराधा जी आई है, मैं आ जाता। तू भी ना एक नंबर का दुश्मन है मेरा। दुश्मन ही है, और दुश्मन ही गुड न्यूज लाते हैं, सरप्राइज देते हैं। अला एक तो बताने आया था, ऊपर से तू मुझे दुश्मन बोल रहा है। अरे बोल भी रहा हूँ तुझे यार कि दो मिनट की बात है, मिल ले यार। लेकिन नहीं, आपको तो भाई अपने पर्सनल मैटर सुलझाने थे तो सुलझाओ। अब ना तो मुझे गुस्सा दिला रहा। अच्छा, सारा गुस्सा मैं ही दिलाता हूँ। एक बात बताऊँ, अभी बुरा मत मानना, लेकिन खुशी जो है ना वो तेरे नसीब में नहीं है। मैं तुझे दो नहीं, चार नहीं, छः नहीं, कई पलों की खुशी देने आया था। लेकिन नहीं, आपने मुझे कहा कि नहीं नहीं मुझे खुशी नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत खुशी है, मेरे को नहीं चाहिए खुशी। चुप करें बेटा, तुझसे ना कभी कोई सरप्राइज नहीं लूंगा मैं। पक्का? सुन सुन सुन, आज के लॉस के बाद तू मेरी हर सरप्राइज वेलकम करेगा। वैसे मानो या ना मानो, अनुराधा जी जचने लगी अपने दोस्त को। ये यहाँ क्या कर रही है? मुझसे तो मिले नहीं आई। ये नहीं होना चाहिए। उसे देख के भाई को अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, पर वो उसी के पीछे भाग रहे हैं। और ये प्रज्ञा, ये यहाँ आई क्यों है? भाई और इसका मिलना जुलना शुरू तो नहीं हो गया ना कहीं? नो 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 नो, इनकी लव स्टोरी दोबारा शुरू नहीं होनी चाहिए। ये वापस आई तो मेरा मेंशन में फिर से मनुष्यत आ जाएगी। मैं तो इन्हें अलग नहीं रख पाऊंगी, फिर कौन करेगा ये काम? रिया, हाँ रिया इन्हें अलग रख सकती है। बहुत दिखा ली अच्छाई, कुछ नहीं मिलता उससे। पूरब भी मुझे तभी मिला था जब मुझे कुछ बुरा करना पड़ा था। अच्छाई करने से तो धोखा ही मिलता है, जो अब मिल रहा है मुझे पूरब से। इनफ, आई विल नॉट बी गुड एनी मोर। रिया, अब तुम्हें ही वो सब करना होगा जो कभी मैं किया करती थी। गुड मॉर्निंग। तुम रणबीर से प्यार करती हो ना? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? जस्ट टेल मी, तुम प्यार करती हो या नहीं? नहीं। झूठ? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? क्योंकि मैंने कल रात तुम्हें उसके हाथों से रिंग पहनते हुए देखा। तुम्हें उसने प्रपोज किया ना? लिसन, प्लीज ये बात किसी को नहीं बताना, प्लीज। नहीं बताऊंगी, अगर तुम मुझे सब बता दोगी तो।
तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो ऑलरेडी सब पता है। तो ये बताओ तुम सबसे छुपा क्यों रही हो, तुम सबको बताते क्यों नहीं कि तुम रणबीर से प्यार करती हो? लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मुझसे प्यार करता है, ही प्रपोज टू मी, ठीक है, ही फेल इन लव विद मी, बट ग्रेजुअली आई स्टार्टेड लाइकिंग हिम, मुझे धीरे धीरे वो पसंद आने लग गया। एंड सेकेंडली मैं हमारे रिलेशनशिप को क्यों ऑफिशियल नहीं करना चाहती हूँ, क्यों मैं उसे हाँ नहीं बोलना चाहती हूँ, क्यों नहीं चाहती कि लोगों को पता चले, इज बिकॉज मैंने उसे एक छोटा सा काम करने को बोला है, अगर उसने वो काम कर दिया तो मैं उसे हाँ बोल दूंगी। यू मीन उसके प्रपोजल से ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ और इम्पोर्टेंट है? कम ऑन रिया, वो तुमसे प्यार करता है। तीनों बोलो ना यार, कुछ सुन लिया ना। Okay, tell me, ऐसा क्या काम करवाना है तुम्हें उससे जिसके बाद तुम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी? There is this woman. I hate her. I really hate her. पहली बार जब से मैं उससे मिली हूँ ना, तब से। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे और रणबीर के रिलेशनशिप के बारे में किसी को ना पता चले। अगर पता चल गया तो क्या पता कहीं ना कहीं से उस लड़की को भी पता चल जाए कि रणबीर मुझसे प्यार करता है, मैं रणबीर से प्यार करती हूँ, एंड वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट ना करे। और अगर वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी तो मैं रणबीर से कैसे बोलूँगी कि उसका दिल तोड़ दो? दैट्स व्हाई आई डोंट वांट एनीबॉडी टू नो अबाउट मी एंड रणबीर। आई नो इट्स डिफिकल्ट फॉर रणबीर बट आई थिंक ही विल मैनेज। तुम्हारे दिमाग में भी ये सब चीजें आती है? What do you mean? मैं मेरे दिमाग में ये सब चलता है? तुम्हारे दिमाग में भी ये सब चलता है? लिवि, उस लड़की का नाम क्या है? प्राची। I think I know her. You know her? May I come in? No. ठीक है, बाद में आती। कम इन, कम इन। अरे मैं तुमसे थोड़ी बात कर रहा हूँ, तुम क्यों आ गई? अभी तुमने कहा ना कम इन। मैंने तुम्हें नहीं बोला, मैं हवा से बात कर रहा था। ग्रो अप रणबीर। आई एम ऑल ग्रोन अप प्राचीया। मैं अच्छे से ग्रो अप हो चुका हूँ और वो मैं तुम्हें प्रूफ भी कर सकता हूँ कि मैं बड़ा हो चुका हूँ। आई एम ग्रोन अप। मेरे पास तो एक गर्लफ्रेंड भी है। एक मिनट, प्रूफ करने के लिए कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ना मेरा दिन अब तक अच्छा जा रहा, सो लेट इट। ओके, लैपटॉप का दिमाग बोरा। ए, एक्सक्यूज मी, तुमने मुझे टच क्यों किया? मैंने तुम्हें टच वच नहीं किया। कितनी झूठी मकार लड़की, यहाँ पे तुमने भी तो टच नहीं किया मेरे को। एक एक तो ना तुम मुझसे बात मत करो, और अगर कभी बात करने का बहुत मन करे ना, याद रख दिमाग पे जोर डाला। मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था मुझे कैसे लड़के पसंद है? मैंने कहा था कि मुझे उस तरह के लड़के पसंद है जो फोकस्ड हो, मतलब लाइफ में फोकस्ड हो, जो लाइफ को लेके सीरियस हो, जिन्हें दूसरों के फीलिंग्स की, दूसरों के वक्त की कदर हो। वो नहीं जो रात भर पार्टी करे और दूसरा दिन खराब कर दे। मुझे वो लड़के पसंद है जिन्हें क्लासिकल म्यूजिक पसंद हो, जिनका टेस्ट अच्छा हो। मुझे वो लड़के पसंद है जो बगीचे में जाके मेरे लिए खुशी खुशी गुलाब का फूल तोड़ कर लाए। वो नहीं जो बना बनाए बुके हाथ में थमा दे। अब मुझे बताओ इनमें से एक भी क्वालिटी है तुम्हारे पास? नहीं ना, तो तुम्हें ये जान के खुशी होगी कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ रही, तुम्हारे करीब आने की कोशिश नहीं कर रही, तुमसे दूर जाने की कोशिश कर रही। एक सेकंड, ये देखो, बहुत झूठ बोलिए तुम, अब कुछ सच बताता। हम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना, इट्स लाइक तुम और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, और ये फिल्मी लाइन है ना, मेरे सामने तो बोलो ही मत। तो चुप कर रणबीर। फिल्मी लग रही है तुमको ये सब? हाँ, ये सब मेरे अंदर से आ रहा है, ये सब रियल है। अगर मैं तुम्हारे इतने करीब आ जाऊं तो तुम्हें कुछ नहीं होता क्या? नहीं। और अगर मैं तुम्हारे इतने करीब आ जाऊं तब भी तुम्हें कुछ नहीं होगा? बोलो। रणबीर, मैं जॉब छोड़ के चली जाऊंगी। अरे प्राची, मैं मजाक कर रहा था। अरे प्राची, छोटी छोटी बातों पे सीरियस हो जाती है लड़की यार।
दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? कोई बीमारी बीमारी हो गई होगी उनको। डैड भी इतना काम दे देते हैं ना। आई एम सॉरी, ये बात ना हमें जल्दी खत्म करनी होगी। सरिता जी, इसकी नानी कभी भी आती होंगी। मैंने आपसे कहा था ना, सबूत या गवाह मिल जाएगा। इसने जिस पियोन का नाम बताया था, हरीश, उससे जाके मैंने बात की। उसने कहा कि ऋषि के बॉस ने उसे बुलाया ही नहीं था। प्रियंका ने उस पियोन से कहा इसे बुलाने के लिए। मतलब प्रियंका सिर्फ ऋषि के बॉस के नाम का इस्तेमाल करके उसे उस केबिन में बुलाना चाहती थी, और फिर उसने वो घटिया हरकत की। She was always planning to do this. देखिए, ये हमारे लिए बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है, लेकिन तब तक जब तक प्रियंका का बॉस झूठ ना बोले। हो सकता है वो प्रियंका को बचाने के लिए ये भी बोल दे कि उसी ने हरीश को बोला था ऋषि को बुलाने के लिए। बॉस झूठ बोल सकते हैं, लेकिन प्यून थोड़ी झूठ बोलेगा। ऋषि वो प्यून है, उसकी ही कंपनी में काम करता है, उसकी सैलरी से ही वो प्यून का घर चलता है। वो उनके अगेंस्ट में क्यों जाएगा? देखिए, उस प्यून से मैंने पर्सनली बात की, और उसकी बातों से मुझे लगा कि वो हमारा साथ जरूर देगा। इनफैक्ट मैं उससे कहकर आई। इतनी मगजमारी करनी पड़ती है छुट्टे के लिए ऑटो वाले किसे? पर चलो, अच्छा है आज काम जल्दी खत्म हो गया और टाइम पे घर आ गए रश आवर से पहले। आप कौन? नानी, ये मेरे कोच है, क्रिकेट कोच। ये मुझे क्रिकेट सिखाते हैं। तेरे को मना किया था ना क्रिकेट खेलने से, और आप कैसे सिखाते हो? कैसे सिखाते हो? देखो कितनी चोटें लगी है उसको। दिखा दिखा, चोट दिखा। आप पानी, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे बात तो करने दे पहले। और आप क्रिकेट खेलना आता भी है या गिल्ली डंडा खेल के क्रिकेट खिलाना शुरू कर दिया? पहले खुद सीखो फिर दूसरों को सिखाओ। हाँ नानी, वो ये आज ही आया है, उस मैच में ये नहीं थे तो इनसे आज मैं पहली बार मिला हूँ। तो पहले बोलना चाहिए था ना। सॉरी सॉरी। अरे आपने मुझे बोलने का मौका ही कहाँ दिया? देखिए, अपनी बात साबित करने से पहले सामने वाले को बोलने का मौका देना चाहिए, वरना जो बातचीत होती है ना बहस में बदल जाती है। नो थैंक यू फॉर द उपदेश। कोच हो, कोच रहो, वकील बनने की कोशिश मत करो। आती हूँ। सॉरी, एक्चुअली वो दिल की अच्छी, लेकिन इट्स ओके। कोर्ट कब तक पहुँचना है? 2 बजे। 2 बजे ठीक है। तो क्या ऋषि भैया, कब से आपका फोन कमरे में वाइब्रेट हो रहा है? पकड़ो इसे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। बाय। थैंक यू, नमस्ते। फोन उठाओ। हेलो। कब से फोन लगा रही हूँ? मेरा फोन उठाने नहीं होता क्या? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मैंने तुम्हारे लिए फोन नहीं किया, तुम्हारी मासी को फोन दो। मासी वो आपसे बात करना चाहती है। हेलो। आप अपने भतीजे को समझा दीजिए कि मुझे ज्यादा एटीट्यूड ना दिखाए। अगर मैं एक फोन करूँ तो मेरा एक रिंग में फोन उठा लिया करे। मैं आपको कुछ कंफर्म करना चाहती थी। मैंने उसे 25 कॉल किए और वो मेरा फोन अब उठा रहा है। क्योंकि तुम बेवकूफ। समझदार इंसान को 4 या 5 कॉल में समझ में आ जाना चाहिए कि सामने वाला इंसान बात नहीं करना चाहता। तुमने इसके अगेंस्ट FIR दर्ज करवाई है, झूठा केस लगाया है, और तुम सोचती हो ये तुमसे बात करना चाहता है? ऋषि तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। इस वक्त भी उसने फोन इसलिए उठाया क्योंकि मैंने कहा। आप ना मुझे ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। आप बड़ी है, समझदार है, और आप प्लीज ऋषि वाली हरकतें मत क्या करो मेरे सामने। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, क्योंकि ऋषि तो समझने से रहा, इसीलिए मैंने आपको फोन किया, क्योंकि आपको ऋषि की फिक्र है और उसे आप समझा सको। क्या बात करनी है तुम्हें? एक न्यूज शेयर करनी थी। बहुत पहले मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक लड़का लड़की को परेशान करता है और लड़की उसके ऊपर केस कर देती है, और फिर बहुत टाइम बाद लड़का लड़की से शादी कर लेता है और लड़की केस वापस कर लेती है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आपको कुछ समझ में नहीं आया? मुझे सब समझ में आ रहा है, मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहती हूँ। मनाओ ऋषि को, मनाओ कि मुझसे शादी कर ले। उसे माफ भी कर दूंगी और उससे शादी भी कर लूंगी, उसकी लाइफ सेट हो जाएगी और वो बच जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बहुत समझदार हूँ तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मैं ऋषि को क्या करने के लिए कहूँगी और क्या नहीं करने के लिए। अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते मैं आगे बढ़ के ये शादी करवाती, लेकिन ये बात प्यार की नहीं, तुम्हारी जिद की। बच्चों की बेवजह की जिद पूरी नहीं की जाती। आपकी बेटी का नाम प्राची है ना? वो उसी कॉलेज में पढ़ती ना जिसमें रिया पढ़ती है। तुम प्राची और रिया से दूर रहना वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं, मैं बस ऐसे ही कंफर्म कर रही थी
कि वही प्राची ना जिससे रिया बहुत प्यार करती है। क्या मतलब जिससे रिया? हेलो, क्या हुआ मासी? कुछ बकवास कर रही थी।